संडे स्पेशल्स में आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट एंड टेस्टी पाव, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पाव बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मिल्क, 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, 2 टीस्पून ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून शुगर एंड 3 कप्स ऑफ मैदा। स्टार्ट करेंगे ईस्ट को एक्टिवेट करने के प्रोसेस से। एक बोल में हम डालेंगे वार्म मिल्क, इसमें डालेंगे चीनी और डालेंगे एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसे लाइट सा मिक्स देंगे। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ईस्ट हमारा कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देखोगे कि ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा और डालेंगे नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। दूध बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हमें डालना है ताकि अच्छे से डो फॉर्म हो सके और गीला आटा ना हो। इस बोर्ड पे मैं डालूंगी थोड़ा सा मैदा। इसमें ऐड करेंगे बटर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके गूंदेंगे। हम इसे ऐसे स्ट्रेच करेंगे और पुल बैक करेंगे। पांच मिनट ऐसे गूंदने के बाद आप देखोगे कि डो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम ऐसे अंदर की ओर टक कर देंगे। ग्रीस किए हुए बोल में रख देंगे। क्लिंग रैप से कवर कर देंगे। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप फॉइल से भी इसको कवर कर सकते हो। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए प्रूफ होने के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के बाद आप देखोगे कि डो डबल हो चुका है। इसे करेंगे पंच और इसे हल्का सा गूंद लेंगे। अब हम इस डो के करेंगे छोटे छोटे पीसेस। हम पैन को ग्रीस कर लेते हैं। हर एक पीस को हम ऐसे अंदर की ओर टक करेंगे और इसे ग्रीस किए हुए पैन में ऐसे रख देंगे। मैं इसे क्लिंग रैप से रैप करूंगी। मैं इसे सेकेंड प्रूफिंग के लिए रखूंगी फॉर अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स बाद आप देख सकते हो कि डो डबल हो चुका है। अभी पूरी प्रॉपर पाव की लुक आ गई है। मैं इसके क्रस्ट पे लगाऊंगी थोड़ा सा मिल्क। मिल्क हम इसलिए लगाते हैं ताकि इसका क्रस्ट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए। इसे अब हम बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 30 मिनट्स। सो लेट्स बेक नाउ। पाव अच्छे से बेक हो चुके हैं। इसके क्रस्ट पे हम लगाएंगे बटर ताकि एक अच्छा सा शाइन आए। अब हम करेंगे इसको डीमोल्ड। आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लग रहा है। डीमोल्ड होने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे डैम क्लोथ। डैम क्लोथ यानी गीले के हुए कपड़े का एक्सेस पानी निकाल करके इसके ऊपर रख देना। ये हम इसलिए करते हैं ताकि इसका क्रस्ट सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। पाव अच्छे से ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है।
इसे आप सर्व कर सकते हो भाजी के साथ या फिर ब्रेकफास्ट में ये बटर के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। सो ट्राई दिस रेसिपी एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।